असलम क्लास इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दोवरलोडिंग कॉन्सेप्ट मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर्स तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसकी एग्जाम्पल सबसे पहले हम देखते हैं कि ओवर लोडिंग क्या होती है ओवर लोडिंग एक्चुअली ये होती है कि आपने अपने प्रोग्राम की रेडिबिलिटी को इनक्रीज़ करना है ठीक है रेडिबिलिटी को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं कि आपने लेट सपोज़ के एक कैलकुलेटर की एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कैलकुलेटर बनाना है और जैसे हम साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट हम टू जो नंबर्स हैं उनको ऐड करना चाहते हैं देन हम फाइव नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं और फिर अपना रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं उसके बाद हम जो है टेन नंबर्स को ऐड करते हैं अप टू सो ऑन ठीक है दैट मींस कि आपके नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स हैं या नंबर ऑफ आपके जो कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको आप ऐड कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहे हैं अगर हमने एक मेथड बना लिया है ऐड का और मैं उसमें कहती हूँ कि आपने कोई टेन टाइम्स ऐड करना है यूज़र से चॉइस लेके नंबर्स को कि कभी वो दो नंबर्स को ऐड करता है कभी वो जो है थ्री नंबर्स को ऐड करना चाहता है कभी वो फाइव नंबर्स को ऐड करना चाहता है तो उस केस में क्या होगा हमारे पास अगर एक ही फंक्शन में हम बार बार एडिशन करते जाएंगे वेरिएबल्स लेते जाएंगे यूजर से चॉइस लेते जाएंगे तो वो हमारा एक फंक्शन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा ठीक है देन सेकेंड हमारे पास ऑप्शन ये हो सकता है कि हम हर फंक् uh, जो uh, हमने एडिशन करनी है उसको डिवाइड कर दें ठीक है लेट सपोज हम एक की जगह थ्री मेथड्स बना लेते हैं या फंक्शन बना लेते हैं अब उसमें हमारे पास क्या होगा कि फर्स्ट का मैंने नाम रख दिया एडिशन का दूसरा का मैंने नाम रख दिया एडिशन टू के नेम से देन मैंने एडिशन थ्री के नेम से नाम रख दिया किसी फंक्शन का या कोई भी हम नेम अपने फंक्शन का रख सकते हैं उसमें ये होगा कि हर फंक्शन को जब भी कोई दूसरा बंदा अंडरस्टैंड करना चाहेगा आपके प्रोग्राम को तो वो इसको गेट करने के लिए कि एडिशन वन के फंक्शन में लॉजिक हमारी क्या है एडिशन टू के फंक्शन में हमारी मे बी लॉजिक बिल्कुल डिफरेंट हो एडिशन थ्री के फंक्शन में मे बी हमारी जो प्रोग्रामर ने लॉजिक लगाई हुई है वो बिल्कुल डिफरेंट हो ठीक है तो अगर हम ये काम करें कि एडिशन वन एडिशन टू एडिशन थ्री की जगह हम सिंपली एक ही नेम रखते हैं अपने तीनों फंक्शन का या लेट सपोज मैंने फाइव टाइम्स वो फंक्शन बनाना है तो उन फंक्शन का मैं नेम ऐड के नाम से रख देती हूं तो अब जब भी यूजर उसको अंडरस्टैंड करेगा तो वो इजीली देख सकता है कि यहाँ पे ओवरलोडिंग हो रही है दैट मींस कि इन सारे फंक्शंस का पर्पस बिल्कुल सेम है सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हो रहे होंगे दैट मींस कि अगर एक में दो ऐड हो रहे हैं अगर दूसरे में हमारे पास थ्री ऐड हो रहे हैं और किसी एक फंक्शन में हमारे पास फाइव नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो वो उसको ईजिली गेट कर सकता है ठीक है तो सबसे पहला पर्पज़ जो हमारा ओवरलोडिंग का होता है वो होता है कि हम इंक्रीज करना चाहते हैं किसको अपने प्रोग्राम की रेडबिलिटी को और उसको हर कोई ईजीली अंडरस्टैंड कर सके उस कॉन्सेप्ट को ठीक है दूसरा हमारे पास पर्पज़ ये भी होता है कि ओवरलोडिंग को लेते हुए हमने जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि हम फाइनल का कीवर्ड यूज करते हैं क्लास और मेथड के साथ बट उसको हम इनहेरिटेंस में ना ओवर कर सकते हैं उस फंक्शन को और ना ही उस क्लास को हम एक्सटेंड कर सकते हैं मीन्स इनहेरिट नहीं कर सकते हैं. तो वहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है ओवरलोडिंग को ही हमने एक्सटेंड किया हुआ होता है जिसका नाम ओवर का होता है तो ये वहां पे भी यूज़ हो रहा होता है लेट सपोज के आपने अगर दो क्लासेस बनाई हैं एक आपके पेरेंट क्लास है और एक आपकी चाइल्ड क्लास है अब कुछ फंक्शन आप पेरेंट के यूज करना चाहते हैं बट उसको अपने हिसाब से आप मोल्ड करना चाहते हैं तो वो अगर आपने फाइनल रखी हुई है तो आप उसको मोल्ड नहीं कर सकते ठीक है और उसी फंक्शन को हम कहेंगे कि हम इसको ओवर कर रहे हैं तो वो ओवरलोडिंग से ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं देन उसी को हम कन्वर्ट करेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में ठीक है तो सबसे सिंपल सी एग्जांपल हम ले लेते हैं लेट्स सपोज पोज के मैंने जैसे प्रीवियस एग्जांपल्स ली थी लेंथ ब्रथ एंड ब्रेथ ठीक है और हम फंक्शन बना देते हैं लेट सपोज एरिया कैलकुलेट करने का ठीक है ठीक है लेट सपोज कि हमारे पास कुछ शेप्स uh, ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर सिर्फ लेंथ और ब्रथ यूज हो रही होती है एरिया फाइंड आउट करने के लिए ठीक है और कुछ शेप्स हमारी यहाँ पे हमारे पास इंटीजर आ जाएगा ऐसी होती है कि जिसमें हमारे पास जैसे कि वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं या किसी भी डिफरेंट uh, शेप का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मे भी उसमें हमारे पास लेंथ भी यूज हो रही हो ब्रेथ भी यूज हो रही हो और ब्रेथ भी यूज हो रही हो ठीक है ठीक है इसी तरह हमने अगेन यहाँ पे एक और एरिया का फंक्शन बनाया void एरिया के नाम से ठीक है उसको मैं इसी तरह से ब्लैंक रख देती हूँ जो ओवरलोडिंग होती है उसको इंप्लीमेंट करने के हमारे पास टू मेथड्स होते हैं ठीक है वन बाय वन मैं आपको बताती हूं कौन कौन से एक हमारे पास होता है नंबर ऑफ ऑर्ग्यूमेंट के थ्रू डिफरेंट कर दें आप ठीक है सेकेंड हमारे पास होता है कि आप ऑर्ग्यूमेंट्स की जगह चेंज कर दें डेटा टाइप्स ऑफ ऑर्ग्यूमेंट्स ठीक है यहां पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मैंने जो मेथड रखा है उसमें मैं दो इंटीजर ले रही हूँ थर्ड में मैं दो नहीं बल्कि तीन इंटीजर्स ले रही हूँ लास्ट वाले को मैंने ब्लैंक रख दिया दैट कि ये कौन सी वाली टाइप हो गई है कि जिसमें हमने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स को डिफरेंट कर दिया ठीक है बट अगर मैं यहाँ से लेट सपोज आपको रिमूव करके दिखाती हूं तो हमारे पास यहाँ पे एरर आएगा क्यों क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम हो गए हैं ठीक है लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंटीजर की जगह कर देती हूँ फ्लोट अब देखें आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आ रहा अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्ग्यूमेंट्स टू हैं यहाँ पे भी नंबर ऑफ ऑर्ग्यूमेंट्स टू हैं बट हमने अब कौन सा वे यूज कर लिया है डाटा टाइप्स वाला ये वे यूज कर लिया कि हमने यहाँ पे डाटा टाइप इंटीजर की जगह फ्लोट कर दिया ठीक है दैट मीनस कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी तो यहाँ पे कोई पॉइंट वाली वैल्यू भेजूंगी तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और अगर मैं सिंपल दोनों इंटीजर्स भेजूंगी तो हमारे पास ये वाला एग्जीक्यूट होगा और अगर मैं विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट पास करूंगी फंक्शन को कॉल करूंगी एरिया के फंक्शन को तो हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो हम सिंपली यहां पे क्या करते हैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं फंक्शन को कॉल करने के लिए ठीक है ओबीजे इज इक्वल टू न्यू सेकेंड ठीक है ओ बी जे डॉट अब यहाँ पे देखें आपके पास तीनों आ रहे हैं ठीक है आप इंस्टेंस वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं और आप इनमें से किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं लर्ड सपोज हमने सिंपली वाला जो है कॉल कर दिया उसके बाद हम एरिया का सेकेंड वाला कॉल कर देते हैं ठीक है और उसके बाद हम थर्ड वाला कॉल कर लेते हैं ठीक है अच्छा अब यहाँ पे हम क्या करते हैं पॉइंट्स में वैल्यूज जा रही हैं तो हम यहाँ पे वैल्यूज को चेंज कर देते हैं फोर और फोर पॉइंट फाइव एफ कर देते हैं फ्लोट के लिए और यहाँ पे हम सिक्स एट पास कर देते हैं जो कि इंटीजर को कॉल करेगा और ये जो ब्लैंक है ये वाला इसको कॉल करेगा ठीक है तो सिंपली हम क्या करते हैं सिस्टम डॉट आउट यूज कर लेते हैं सिस्टम कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है टू इंटीजर्स का ठीक है ये सिंपली मैं आपको बताने के लिए कि हमारे पास फंक्शंस कैसे कॉल हो रहे हैं और साथ ही हम क्या करते हैं लेंथ और वर्थ को ऐड करके प्रिंट करवा देते हैं एंड पे सेमी कॉलन ठीक है इसी तरह इसी लाइन को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको लिखती हूँ ठीक है हमारे पास वन इंटीजर और वन फ्लोट है यहाँ पे भी हम वर्थ और लेंथ को ऐड करके प्रिंट करवा देते हैं ठीक है यहाँ पे हमने किसी को भी जो है पास नहीं किया पैरामीटर लेट सपोज कि यहाँ पे हम सिंपली भी जो है प्रिंट करवा सकते हैं स्टेटमेंट को हम खुद से सपोज़ कर लेते हैं कि फोर और टेन हमारे पास दो नंबर्स हैं प्लस के ठीक है और यहाँ पे हम कह देते हैं कि ब्लैंक मेथड कॉल हुआ है मतलब ब्लैंक जो आर्ग्यूमेंट्स हमने पास नहीं किए थे वो वाला मेथड कॉल हुआ अब इसको एक्सीक्यूट करके देखते हैं प्रोग्राम को यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास किसको कॉल किया था हमने ऑब्जेक्ट डॉट एरिया ब्लैंक कॉल हो रहा था तो फोर प्लस टेन का सम फोर्टीन रहा है फिर वन इंटीजर और वन फ्लोट वाला कॉल हुआ था ठीक है सेकंड पे हमने फोर और फोर पॉइंट फाइव पास किए थे तो उसमें हमारे पास दोनों ऐड होकर 8.5 आ रहे हैं और लास्ट में हमने दोनों इंटीजर करके पास किया था सिक्स प्लस एट तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो फोर्टीन आ रहा है ठीक है तो ये हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग है जिसमें हमने क्या किया दो मैथड्स देखे कि एक तो हम नंबर ऑफ ऑर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट करके भी कर सकते हैं ओवरलोडिंग ठीक है और उसी प्रोग्राम में आप साथ साथ अगर आपने डेटा टाइप भी चेंज कर ली हैं ऑर्ग्यूमेंट्स uh, की तो उसके थ्रू भी आप uh, जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अच्छा यही काम हम कंस्ट्रक्टर्स के साथ भी कर सकते हैं सिंपली मैं आपको क्या करके बताती हूँ इस मेथड को जो है चेंज कर देती हूँ कंस्ट्रक्टर में ठीक है यहाँ पे हमारे पास डिफॉल्ट हो गया सेकंड कंस्ट्रक्टर ठीक है अब ऑब्वियसली हमें इस तरह से फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं है ये हमारा डिफॉल्ट कॉल हो रहा है इसी को मैं कॉपी करती हूँ लाइन को यहाँ पे मैं पेस्ट करती हूँ ठीक है एक दफा हमारे पास पैरामीटर्स दोनों इंटीजर पास हो रहे हैं लेट्स सपोज मैंने और को जो है पास कर दिया ठीक है यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है क्यों आ रहा है वेरिएबल ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी डिफाइंड इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे हमने इसका नेम चेंज नहीं किया ठीक है यहाँ पे मैं इसको थ्री कर देती हूँ और साथ ही साथ लेंथ और uh, जो हमारे पास इंटीजर थी और फ्लोर थी उसके लिए वैल्यूज पास कर देते हैं लेट्स सपोज सिक्स पॉइंट एट ठीक है और साथ में एफ आ जाएगा फ्लोट के लिए तो अब एरर इस लाइन में नहीं आ रहा ठीक है तो इसके थ्रू हमारे पास कौन सा कॉल हो जाएगा ये वन इंटीजर और फ्लोट वाला कॉल हो जाएगा सेम वही लॉजिक मैंने रखी हुई है बट यूजली हमें पता है कि हमारे जो कंस्ट्रक्टर का बेसिक पर्पज होता है वो क्या होता है जो इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं उनको वैल्यू असाइन करना होता है ठीक है तो यहाँ पे हम देश को दोबारा से यूज कर लेते हैं क्योंकि हमने आर्ग्यूमेंट्स का नाम और अपने जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं उनका नाम सेम रखा हुआ है तो बेसिक पर्पज ये होता है हमारा तो हम ये इसी तरह से कर लेते हैं दिस डिस इज इक्वल टू वर्थ ठीक है अब हम क्या करते हैं अपने इंस्टेंस वेरिएबल्स को यूज कर लेते हैं ऐड करने के लिए तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम इसको जब इंस्टेंस वेरिएबल्स को रेफर करेंगे तो दिस के थ्रू करेंगे तो यहाँ पे मैं दिस डॉट दिस कर देती हूँ ठीक है वैसे वैल्यूज़ आपके पास सेम ही आएंगी बेशक आप डायरेक्टली लोकल वेरिएबल्स को ऐड कर रहे हैं या आप इंस्टेंस वेरिएबल्स को बट प्रॉपर वे में आपको बता रही हूँ तो इसलिए इसको हम इस तरह से लिखेंगे इसी तरह मैं इसको कॉपी करती हूँ ठीक है यहाँ पे हमारे पास वर्थ है एर हमारे पास क्यों आ रहा है इनकम्पैटिबल टाइप्स पॉसिबल अच्छा यहाँ पे देखें इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको क्या रखा हुआ था इंटीजर रखा हुआ था ठीक है जबकि यहाँ से मैं जब पास करवा रही हूँ आर्गुमेंट को तो अब ये फ्लोट आ रही है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं आपको याद हो इंटीजर में कन्वर्ट करना है इस तरह से ठीक है आपको कोई इशू नहीं आएगा इसी तरह यहाँ पे मैं दिस डॉट कर देती हूँ और यहाँ पे भी मैं दिस डॉट कर देती हूँ ठीक है टाइप कास्टिंग क्या होती है कि आपके पास जब इनकम्पेटेबल टाइप्स आ रही होती हैं इंटीजर हमारे पास ये नहीं था ये हमारे पास फ्लोर था और उसको असाइन मैं इंटेजर को कर रही थी तो पहले मैंने क्या किया उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया इस तरह से करते हैं हम कि हम ब्रैकेट्स के अंदर वो डाटा टाइप लिख देते हैं जिसमें हमने कन्वर्ट करना होता है और लेफ्ट साइड पे भी वही डाटा टाइप का वेरिएबल होता है तो ब्रथ हमारे पास क्या थी इंटीजर थी इसलिए हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया ठीक है ब्रेथ मैंने किसी में भी पास नहीं की है आप उसके थ्रू भी ओवरलोडिंग कर सकते हैं लेट सपोज के मैं डिफ़ॉल्ट वाले में एक पैरामीटर पास कर देती हूँ इसको मैं पैरामीट्रिक में कन्वर्ट कर देती हूँ इंटीजर ब्रेथ ठीक है तो हमारे पास क्या हो जाएगा दिस डॉट ब्रेथ इज इक्वल टू बी आर डी टी एच ब्रेथ ठीक है और यहाँ पे हम सिंपली वन पैरामीटर लिखते थे पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर ठीक है और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देती हूँ यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है तो क्योंकि डिफॉल्ट को हमने रिमूव कर दिया तो सिंपली हम यहाँ पे पास कर देते हैं फोर अब कोई इशू नहीं आएगा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं अब देखें सबसे पहले हमने फोर के साथ पास किया तो हमारा ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हुआ पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर फोर ठीक है उसके बाद हमने फोर और फाइव वाला जब कॉल किया तो ये टू इंटेजर दोनों को ऐड करके भी बता रहे हैं हमें कि और को ऐड करके हमारे पास आ रहा है इसी तरह से लास्ट वाला points, जो है फोर और सिक्स पॉइंट एट हमने फ्लोर पास किया था तो उनका जो सम आ रहा है वो हमारे पास टेन प्रिंट होकर आ रहा है ठीक है वन इंटीजर एंड वन फ्लोट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम... यहाँ पे हमने वर्थ को कन्वर्ट कर दिया था इंटीजर में और इसलिए किया था कि जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल था वो इंटीजर टाइप का था ठीक है अगर आपने फ्लोट में मींस पॉइंट्स में वैल्यूज़ को कंसीडर करना है तो आप इस इंस्टेंस वेरिएबल को भी फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे ठीक है बेसिकली पर्पस ये था बताने का कि हम कंस्ट्रक्टर्स को भी एज इट इज़ जो है यूज़ कर सकते हैं ओवर के लिए जैसे कि हम मैथड्स को यूज़ करते हैं बट कंस्ट्रक्टर्स का जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि हम अपनी जो वैल्यूज़ uh, हैं वो इनिशलाइज करवाना चाहते हैं अपने जो भी पैरामीट्रिक वैल्यूज़ हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स को ठीक है तो यहाँ पे हमने दिस का यूज भी देख लिया हमने यहाँ पे ओवरलोडिंग को भी देख लिया जो कि प्रोग्राम की रेडेबिलिटी को इंक्रीज करती है मेथड ओवरलोडिंग भी हो गई और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी हो गई अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको ऑब्जेक्ट को किस तरह से पास करते हैं और कॉपी कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट बताऊंगी